अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे काउंट ऑन मैथमेटिक्स बुक 7। आज हमारा थर्ड लेक्चर पेज नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 2 आज हम पढ़ेंगे, ट्रू एंड फॉल्स। सबसे पहला पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट ब्रैकेट में 0, ठीक है, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट इज अ नल सेट। ये यानी इसमें कह रहे हैं कि ये जो है ये एक नल सेट है, तो ये नल सेट नहीं है क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट है, तो इसलिए ये नल सेट नहीं है, तो ये हो जाएगा फॉल्स क्योंकि ये नल सेट नहीं, इसके अंदर 0 है। सेकेंड पार्ट में आ जाएं, इक्विवेलेंट सेट कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं, ये बात मैंने आपको बताई थी। इक्विवेलेंट सेट इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं, चाहे सेट अलग हो, एक नंबर्स का हो, एक अल्फाबेट्स का हो, लेकिन इसके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं। यानी अगर यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं तो यहाँ पे भी 3 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। इस तरह से ये ट्रू हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ट्रू लिख दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड पार्ट है, द कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज इन्फिनिटी। पॉजिटिव इंटीजर्स इसमें एक लिमिट नहीं दी हुई है, और कहा हुआ है कि कार्डिनैलिटी जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स की इनफाइनाइट होगी। इनफाइनाइट यानी कि ना खत्म होने वाली। अब पॉजिटिव इंटीजर्स वो इनफाइनाइट है, अगर यहाँ पे लिमिट दी जाती तो फाइनाइट होती, लेकिन कार्डिनैलिटी उसकी इनफाइनाइट ही कहलाएगी क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स जो है वो इनफाइनाइट है, तो इसलिए ये ट्रू है। कार्डिनैलिटी किसे कहते हैं, नंबर्स ऑफ एलिमेंट, तो नंबर्स ऑफ एलिमेंट जो है वो इनफाइनाइट है, ये ट्रू है, पॉजिटिव इंटीजर्स इनफाइनाइट है। ए इंटरसेक्शन बी इज अ नल सेट, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो नल सेट है, देन अगर ए इंटरसेक्शन बी जो है वो नल सेट है, देन ए एंड बी डू नॉट हैव कॉमन मेंबर्स। ए और बी में कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो नल सेट है। बिल्कुल सही है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में हम कॉमन लिखते हैं, ए और बी में जो भी एलिमेंट कॉमन होगा वो लिखा जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसीलिए ये खाली सेट उतर जाएगा, तो इसलिए कहेंगे ये नल सेट है। उसके बाद 5 पे आ जाओ, तो 5 में लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन टू सेट इज इक्वल टू देयर इंटरसेक्शन सेट। यानी कि जो डिफरेंस होगा दो सेट के दरमियान वो बराबर होगा दो सेट के इंटरसेक्शन के दरमियान, तो ये बताना है कि वो दोनों उन दोनों के आंसर इक्वल हो। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको दिखाती हूँ, एक मैंने ए का सेट ले लिया 1 2 3 4 5 और ये बी का सेट ले लिया 1 2 3। सबसे पहले ए माइनस बी कर लेंगे, ये डिफरेंस होता है ए माइनस बी। तो इसमें ए माइनस बी कैसे करते हैं कि इसमें से जो वैल्यू दोनों सेट में आ रही है उनको हटा देते हैं, जैसे 1 1 2 2 और 3, बचा क्या 4 5, तो 4 5 आ जाएगा। ए माइनस बी इस तरह से आएगा 4 5, जो सेट पे मौजूद है वो आ जाएगा, यानी जो बच जाएगा वो आएगा। लेकिन ए इंटरसेक्शन बी में क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी में जो चीज कॉमन होती है, जैसे कि 1 1 कॉमन 2 2 कॉमन 3 3 कॉमन, तो यानी कि यहाँ पे आ गया। तो इसका आंसर और इसका आंसर सेम है, सेम नहीं है, तो ये इक्वल नहीं है। डिफरेंस ऑफ टू सेट और इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे, इफ ए इज इक्वल टू सेट 2 4 6 8, बी इज इक्वल टू 1 3 5 7, फाइंड ए यूनियन बी। ए यूनियन बी फाइंड करना है, दोनों सेट गिवन है कि अगर ए जो है वो 2 4 6 8 हो और बी जो है 1 3 5 7 हो, तो इसका ए यूनियन बी क्या होगा। ए यूनियन बी में मैंने आपको बताया था, ए यूनियन बी में वैल्यू मर्ज करके लिखते हैं, ठीक है, तमाम ए सेट और बी सेट दोनों के तमाम एलिमेंट्स को एक साथ करके लिख देते हैं कम्बाइन। अब यहाँ पे मैंने ए सेट उतारा, बी सेट उतारा, ठीक है। अब इसका लेना है मुझे ए यूनियन बी, तो यहाँ पे लिखेंगे ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी इस तरह से लिखा। अब यहाँ पर इसको अरेंज करके लिखें, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2 4 6 8 1 3 5 7, जो रिपीट होंगे उनको एक बार लिख दिया जाएगा, लेकिन दोनों सेट के जो है इसमें एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। आप उतारेंगे भी इसको अरेंज करके, जैसे पहले 1, पहले जो नंबर आता है हमेशा पहले वो उतारेंगे 1, उसके बाद 2 3, इस तरह से अरेंज करके 4 5 6 7
8 इस तरह से हमने अरेंज कर दिया, इसको अरेंज भी कर दिया और तमाम एलिमेंट ए और बी के इस सेट के अंदर आ गए, तो ये हो गया ए यूनियन बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है इफ ए इज इक्वल टू 3, 6, 9 यानी ए का सेट गिवेन है, बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, फाइंड ए यूनियन बी। अच्छा ये बी का सेट गिवेन, ये ए का सेट गिवेन है, यहाँ पे देखेंगे हमने ए इज इक्वल टू और ये बी इज इक्वल टू। अब यहाँ पर ए यूनियन बी लेना है मुझे, तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में क्या करते हैं, जो तमाम वैल्यूज को मर्ज करके लिखते हैं। इस सेट में कोई भी एक एलिमेंट नहीं है, इस सेट में 1, 3, 6, 9 है, तो इस सेट के एलिमेंट खाली लिख दिए जाएंगे क्योंकि यहाँ पे कोई एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे 3, 6, 9 आ जाएगा इस तरह से, ये नल सेट कहते हैं इसे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इफ आर इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, एस इज इक्वल टू 0, 3, 6, 9, टी इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7, फाइंड आर इंटरसेक्शन टी। आर इंटरसेक्शन टी, इंटरसेक्शन में हम जो कॉमन वैल्यूज होती हैं दोनों सेट में, जैसे ए और बी, ए और बी के सेट में जो दोनों वैल्यूज कॉमन होंगी वो हम लिखते हैं, तो आर इंटरसेक्शन टी। अब यहाँ पे इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे पहले हमने लिखा आर इंटरसेक्शन टी, सॉल्व आर इंटरसेक्शन टी, तो यहाँ पे हमने आर का सेट उतार लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6 आर का सेट है ये। उसके बाद इंटरसेक्शन की साइन यहाँ पे लगाइएगा, ठीक है। उसके बाद टी, टी का सेट है हमारे पास 1, 3, 5, 7 इस तरह से लिख लिया हमने। अब इंटरसेक्शन में हम जो वैल्यू कॉमन होती है दोनों साइड में वो लिखते हैं, यहाँ पे 1, 1, 3, 3, 5, 5, तो 1, 3, 5, तो 1, 3, 5 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से बी सेकेंड पार्ट आप खुद करेंगे, थर्ड पार्ट में आपको बता देती हूँ। टी इंटरसेक्शन एस, टी इंटरसेक्शन एस, टी टी का सेट उतार लिया 1, 3, 5, 7, इंटरसेक्शन एस का सेट उतारा 0, 3, 6, 9, देखिए एस का सेट 0, 3, 6, 9 उतार लिया। अब इंटरसेक्शन में दोनों एलिमेंट्स में दोनों साइड्स में कौन से एलिमेंट सेम है, 1 नहीं है यहाँ पे, 3, 3 सही, 5 नहीं है, 7 नहीं है, तो 3 कॉमन है तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया, तो ये हो गया T इंटरसेक्शन S। उसके बाद अब आप आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 पर, इफ यूनिवर्सल सेट गिवन है 0, 1, 2, ये डॉट डॉट जो है ये को शो कर रहे हैं कि यानी कि 2 से लेके 8 तक की काउंटिंग चल रही है, यानी कि इसके अंदर जो शामिल है वो 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक है, ठीक है। और ए का सेट है 0, 1, 2, 3, बी का सेट है 2, 3, 4, 5, 6, सी का सेट है 5, 6, 7, 8, डी का सेट है 2, 4, 6, 8। अब मुझे यहाँ पे फाइंड करना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में मैंने आपको बताया है कि वैल्यू मर्ज करके लिखते हैं, ठीक है, ए यूनियन बी। अब ए, ए का सेट उतारा मैंने यहां से 0, 1, 0, 1, 2, 3 इस तरह से ए का सेट उतारा, यूनियन की साइन लगाई। बी, बी का सेट 2, 3, 4, 5, 6 2, 3, 4, 5, 6, अब तमाम वैल्यू को मर्ज करके लिख देंगे, अगर कोई वैल्यू रिपीट हो रही है तो उसको एक बार लिखेंगे और अरेंज करके लिखेंगे, जैसे पहले 0, फिर 1, फिर 2, 2 दो बार आ रहा है, एक बार लिखेंगे 3, 4, 5, 6 इस तरह से, ये हमारा आंसर ए यूनियन बी। अब इसके बाद अब बी यूनियन सी भी ऐसी होगा, सी यूनियन डी भी ऐसी होगा, ठीक है। अब मैं आपको समझा देती हूँ बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी समझाऊंगी तो आपसे ए इंटरसेक्शन बी भी हो जाएगा और सी इंटरसेक्शन डी भी हो जाएगा, तो 5 पार्ट पे आ जाए आप। बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी में हमने पहले बी का सेट उतारा, इंटरसेक्शन की साइन लगाई और सी का सेट उतारा। बी इंटरसेक्शन बी का सेट 2, 3, 4, 5, 6 2, 3, 4, 5, 6 और सी, सी का सेट है 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, कॉमन वैल्यूज, 2 इस सेट में नहीं आ रहा कॉमन नहीं है, 3 इस सेट में नहीं आ रहा कॉमन नहीं है, 4 भी नहीं आ रहा, 5 दोनों सेट में आ रहे हैं ये दोनों कॉमन है, 6 दोनों साइड में आ रहे हैं, तो कॉमन वैल्यूज जो है वो हमने यहाँ पे 5 और 6 ही हमारा आंसर है। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी भी होगा और सी इंटरसेक्शन डी भी होगा। अब आप आ जाएं 7 पार्ट पे, ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, ए कॉम्प्लीमेंट की साइन लगाई इज इक्वल टू यू माइनस ए,
यू माइनस ए कहते हैं यूनिवर्सल माइनस ए को। यूनिवर्सल सेट हमारे पास गिवन है, ए सेट भी गिवन है, माइनस किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो यू माइनस ए इसका मतलब है कि ए कॉम्प्लीमेंट, यू माइनस ए इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट उतारा, यूनिवर्सल सेट कहाँ तक है, जीरो टू एट, यानी जीरो से लेके एट तक का सेट है। तो यहाँ पे मैंने जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ये उतार लिया। उसके बाद माइनस की साइन लगाई, ए का सेट गिवन है जीरो वन टू थ्री, तो जीरो वन टू थ्री इस तरह से उतार लिया। माइनस में जो वैल्यू सिमिलर होती हैं उनको कट कर दिया जाता है और जो बच जाती हैं वो इस सेट में उतारी जाती हैं ए कॉम्प्लीमेंट के सेट में। अब जो सिमिलर हैं जीरो वन टू कट करते जाएं थ्री, ठीक है, अब बची कौन सी, फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो यहाँ पे आ जाएगा फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। उसके बाद अब बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट, डी कॉम्प्लीमेंट, ये भी ऐसी होगा, बी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी, सी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस सी, यू मतलब यूनिवर्सल सेट और डी यूनिवर्सल माइनस डी। उसके बाद अब आप आ जाए यहाँ पे नाइन वाले में, नाइन सॉरी इलेवन, इलेवन पार्ट पे आ जाए, यहाँ पे लिखा हुआ है ए माइनस बी, ये जो है वो ए माइनस बी को शो कर रहा है इस तरह से, ए इस तरह से जो लाइन आएगी ये ए माइनस बी की लाइन है। तो ए माइनस बी, माइनस का मैंने अभी आपको बताया कि माइनस में हम किस तरह से अरेंज करते हैं, जो वैल्यू कट जाती है उनको नहीं लिखते, जो बच जाती है वैल्यू उसको लिखा जाता है इस सेट के अंदर। अब ए माइनस बी, ए का सेट मैंने यहाँ पे उतार लिया जो मेरे पास गिवन है जीरो वन टू थ्री, ये मैंने उतार लिया, माइनस की साइन लगाई, बी का सेट, बी का सेट है टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये उतार लिया मैंने। अब ए माइनस बी, ए में से माइनस करना है बी को, तो ये देखें यहाँ पर सिमिलर जो है वो हम कट कर देंगे, तो जीरो वन, जीरो वन नहीं आ रहा, टू थ्री, टू थ्री आ रहा है, तो टू थ्री हमने कट कर दिया। लेकिन माइनस में इस बात का ख्याल रखिएगा कि सेकंड वाली जो सेट है हमारा उसका कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं आएगा, ठीक है, इसका कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं आएगा, हमने माइनस करा, लेकिन हमारे पास जो बचे हैं एलिमेंट ए सेट में सिर्फ वही आएंगे, यानी जो पहला वाला सेट होगा उसके ही एलिमेंट आएंगे, इसके अलावा फोर फाइव सिक्स नहीं आएगा। अब यहाँ पे टू और टू, टू थ्री, टू थ्री माइनस हो रहा है दोनों साइड से, लेकिन यहाँ पे जीरो वन फोर फाइव सिक्स बच रहा है, लेकिन फोर फाइव सिक्स नहीं लिखेंगे क्योंकि ए में से बी माइनस करना है हमें, तो यहाँ पे खाली ए वाला सेट आएगा। ए वाले सेट में कितने बचे हैं एलिमेंट, जीरो वन, तो यहाँ पे आ जाएगा जीरो वन, जैसे यहाँ पे यू माइनस ए किया था, लेकिन यहाँ पे तमाम ए के एलिमेंट्स खत्म हो गए थे, इसीलिए यहाँ पे खाली यूनिवर्सल सेट के बचे थे तो हमने सारे उतार लिए, लेकिन यहाँ पर जो है वो बी सेट में से भी बच रहे हैं, लेकिन बी सेट के नहीं उतारेंगे हम, हमेशा माइनस में फर्स्ट सेट में जो भी एलिमेंट बचेंगे सिर्फ वही उतारेंगे, जीरो कॉमा वन, ठीक है। इसी तरीके से डी माइनस बी, डी माइनस बी भी ऐसे करेंगे कि डी टू फोर सिक्स एट, टू फोर सिक्स एट माइनस ए, ए का सेट जीरो वन टू थ्री, जीरो वन टू थ्री उतार लिया। अब इसमें जो कॉमन है उसको कट कर दें, टू टू कॉमन आ रहा है, फोर फोर नहीं है, सिक्स सिक्स भी नहीं है और एट भी नहीं है। अब देखें हमें खाली जो लिखना है वो पहले वाले सेट के एलिमेंट जो बचे हैं वो लिखना है, दूसरे सेट के एलिमेंट्स को नहीं लिखना। तो यहाँ पे क्या बचा, फोर सिक्स एट, तो हमने यहाँ पे लिख दिया फोर सिक्स एट, ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। बाकी के तमाम पार्ट सब खुद करेंगे, यहाँ पे मैंने आपको करवा दिया है 11 और 14 करवा दिया है, आपको 12 भी खुद करना है, 13 भी खुद करना है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट भी करवा दिया था, 5 पार्ट और 7 पार्ट, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 और 13, ये तमाम पार्ट्स आपको खुद करना है।